क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जो हम पिछला बता रहे थे कैलकुलेशन, आज पुनः उसी के आगे फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन पुनः बताएंगे कि कैसे मल्टीप्लाई का फास्ट करना है, कि आप देखते ही तत्काल आंसर देंगे। तो आज हम जो है 100 से ऊपर और 100 से कम वालों दोनों को बताएंगे। कल हमने जो बताया था एक क्वेश्चन उसमें से बता दे रहे हैं, जिसे आपको लग जाए, ताजा हो जाए। आइए देखते हैं कल हमने क्या बताया था। तो कल मेरा था 104, सपोज दैट 105। हमने कल कहा था यहाँ अधिक लेना है, यहाँ क्या करना है, अधिक 100 से जितना भी अधिक है उसको ले लेना है। 100 से कितना अधिक है उसको देख लीजिए। तो 100 से मेरा कितना अधिक है, यहाँ 4 अधिक है। 100 से यहाँ कितना अधिक है, 5 अधिक है। दोनों हमने ले लिया, अब इसको देख लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, चाहे इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 109 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने कल आपको बताया था। अब पुनः आज हम चलेंगे कि अगर 100 से अधिक हो और दूसरा 100 से कम हो, उन दोनों संख्याओं का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी बहुत आसान है। आइए देख लेते हैं उसको कैसे करना है। हमने क्या कहा है, यदि जो है 100 से अधिक हो, सपोज दैट मान लेते हैं 103 हो जाए और हमने ले लिया 91 ले लिया जाए, इसको हमको करना है कैलकुलेशन फास्ट से फास्ट हो जाए। हमारा यही टारगेट है कि कैसे आपको परीक्षा में पास होना है, मेरिट में आना है, तो उसके लिए यही विधि लगानी है कि फास्ट कैलकुलेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरह अधिक है, आइए कितना अधिक है, 3 अधिक है। यहाँ कम है, माइनस लगा देंगे। कितना कम है, 9 कम है। कितना कम है, 9 कम है। अब पुनः जो है इसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 91 है और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो जब 94 मेरा हो जाएगा, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कितना आएगा, 94 आ जाएगा। अब ये हो गया 94 हो गया। अब यहाँ कितना जाएगा, 9 × 27। यहाँ चीज एक ध्यान देना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है, माइनस में आता है। अब जब माइनस में आने लग जाए तो इसका एक तरीका है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कम नहीं होगा, 100 कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 93 और 100 में से 27 जब जाती है तो 73 बचेगी। कितना बचेगी, 73 बच जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93 73, इन दोनों को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। आप देख लीजिए, तो 7 × 3 = 10, 7 × 2 = 1 = 10 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 93 और 73 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको करना है। अगला हम क्वेश्चन चलते हैं, फास्ट से फास्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं कि दो अंकों का कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो फास्ट हो जाए। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर ले लेना है अधिक। अधिक कितना अधिक है, आइए 2 अधिक है। यहाँ कितना कम है, 8 कम है। 100 में कितना अधिक है, कितना कम है, ये करना है। सॉरी, अब आपको करना क्या है, पुनः इसमें ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 94 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पुनः इसमें से एक कम कर देना, एक कम कर देना है आपको। ये जो माइनस में जब आने लग जाए तो कि माइनस में आएगा, जब भी इस तरह आप करेंगे तो एक कम करेंगे, क्या करेंगे, एक कम। अब यहाँ कितना हो गया, 93 हो गया। 100 में से 16 चला गया, अब यहाँ एक कम करेंगे और 100 में से इसको घटा देंगे तो कितना हो गया, 84 हो गया। देखिए फास्ट हो गया कैलकुलेशन। तो इस प्रकार आपको हम आज फास्ट से फास्ट लगातार इधर चलता रहेगा, जितना भी जोड़ है, घटाना है, गुणा है, भाग है, सबका जितना भी ट्रिक है सब आपको बता दें, क्योंकि इसके बाद सिंप्लीफिकेशन जब आएगा और घातांक बाकी है तो उस चैप्टर में कैलकुलेशन ही टोटल है, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा।
तो इसलिए हमको कैलकुलेशन आपको बताना आवश्यक है कि कैलकुलेशन जब आपका तेज रहेगा तो सारे आप कार्य कर ले जाएंगे, जल्दी से हो जाएगा। इसी प्रकार अगला हम देख लेंगे। अगला हमारा क्या है, आइए देख लेते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं अब इसे हम बड़े होते चले चलेंगे, 111 गुड़े कितना है हमारा 82 हो जाए। सपोज दैट मान लेते हैं इतना हमको लंबा करना है, तो इसको हमको फास्ट करना है। फास्ट कैलकुलेशन, यहाँ कितना अधिक है आप जान रहे हैं, कितना अधिक है 11 अधिक है, यहाँ कितना कम है आपको 82 में 18 कम है, ये देख लीजिए। अब पुनः ऐसे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 × 9 = 93 पुनः हो गया। अब इसका पुनः आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे इन दोनों का, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा और 8 × 9 हो जाएगा 198 हो जाएगा। जब यहाँ 100 जाएगा तो 1 यहाँ से निकालेंगे, 200 हो जाएगा, दो लोगों को निकाल लेंगे। अगर हम दो लोगों को निकाल लिए तो 91 बचेगा, यहाँ से 2 निकालना है। जब ये 100 से कम हो तो 1 को यहाँ से निकालिए, और जब ये 100 के अधिक हो माने 102, 103, 102, 200 के करीब हो तो यहाँ से कितना निकालेंगे, यहाँ से हमने 2 निकाल लिया। अब 2 नहीं निकलता है, वो 200 हो जाता है, तो यहाँ बचा कितना हमारा, यहाँ बचा हमारा 91। अब 200 में से 98 चला गया, हमारे पास कितना बचा, अगर 200 में से 98 निकलेगा तो हमारा बचेगा, अब दो अंक लिखना, 2 तो बचेगा लेकिन 02 लिखना है, तो हमारा ये हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार फास्ट कैलकुलेशन आज आपको बताएंगे, तो देखते रहिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जिसको भी समस्या होती है उन वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप बता सकते हैं कि ये समस्या हो रही है, किसी भी विषय में आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो है आप विषय को हमको बता दीजिए, वो विषय सॉल्व हो जाएगा आपका। अगला हम चलते हैं। इसी प्रकार 115 मल्टीप्लाई हमारा हो जाए 72 हो जाए। देखिए फास्ट कैलकुलेशन करना है, अब यहाँ हमारा अधिक देख लेंगे, अधिक करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ कम करेंगे 18 हो जाएगा, यही आपको करना है, 28 हो जाएगा। अब यही कैलकुलेशन आपको करना है, तो इसमें करना क्या रहेगा, अब इसमें फिर देख लीजिए हमारा, इसको इसको आप ऐड करेंगे या इसको इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, अब आपका 5 × 2 = 7, 7 = 87 हो गया। अब पुनः जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा करेंगे, अब गुणा जो ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। गुणा करके देख लीजिए 15 × 8 = 120, 12 हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 30 × 10 = 42 हो गया। तो इसके मतलब हो गया हमारा कितना हो गया 420 हो गया। अब ये मेरे 500 के में है, अब हमको कितना यहाँ से लेना है, अब यहाँ से 5 निकाल लेना है, तो हम यहाँ से जब 5 निकालेंगे तो मेरा बचेगा कितना 82 बचेगा। अब 500 में से 420 चला गया तो हमारा बचेगा कितना 80 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार जितने भी आपको रहेंगे तत्काल आपको आंसर देना रहेगा कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। अगला हम चलते हैं, बड़े से बड़े आपको लेना है उसको करना है। आइए 125 और गुणे 75 ले लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि आप अधिक हो इससे कम, आप देख लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो। अब हम चलते हैं पुनः यहाँ देख लेंगे, अधिक कितना है 25 अधिक है, यहाँ कम कितना है 25 ही हो गया, ठीक। अब इसको करेंगे तो हमारा कितना हो गया 100 हो गया, अब यहाँ फिर ले लेंगे 625 हो गया, अब -625 है, अब यहाँ से हमको कितना लेना है, अब ये 600 हो गया, तो इसका मतलब 700 में से घटेगा, तो यहाँ से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, और 700 में से 625 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 बचेगा, तो कितना आंसर आ गया 75 आ गया। देखिए फास्ट कैलकुलेशन आपका हो रहा है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, कितना फास्ट साथियों, इसी प्रकार अगला हम देखेंगे। जैसे हम ले लिए 110 ले लिए और 91 ले लिए,
अब इसमें क्या करेंगे, पुनः देख लेंगे कितना अधिक है, 10 अधिक है, यहाँ कितना कम है, 9 कम है। अब पुनः इसको ले लेंगे, तो इसको लेंगे 101 हो जाएगा और 10 9 90 हो जाएगा। अब यहाँ से एक निकाल देंगे तो 100 बचेगा। अब 100 में से 90 गया, 10 हो गया। देखिए फास्ट कैलकुलेशन हो गया। अब पुनः इसी प्रकार जो हम कल बताएंगे, दो अंकों का बताएंगे, जैसे हम कल बताएंगे जैसे 91 हो जाए और 92 हो जाए, इसका हम कैसे करेंगे, तो ये हल्का सा बता दे रहे हैं, उसके बाद शेष कल बताएंगे। तो यहाँ कितना कम है, यहाँ 91 में से 9 कम है, यहाँ -8 कम है। अब पुनः हम चलेंगे इसमें से इसको कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप घटा के देख लीजिए, तो 12 में से 9 गया 3 हो गया, 883 हो जाएगा और 972 हो जाएगा। आइए देख लीजिए ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो 100 से कम वाले हैं उसको हम कल ट्रिक बताएंगे, कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका हो जाए। तो साथियों जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।